ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDBF एक भारतीय फाइटर जेट है जो वर्तमान में विकास के अधीन है। इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। TEDBF मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के विमान वाहकों से संचालित होगा। ये हमारी DBF श्रृंखला का पहला वीडियो होगा। इस वीडियो में सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। TEDBF की आवश्यकता, जैसे कि इसे इसका नाम से स्पष्ट है, TEDBF भारतीय नौसेना के विमान वाहक से संचालित होगा। वर्तमान में नौसेना अपने वाहक से रूसी मूल के MiG-29K का संचालन करता है। योजना उन्हें 2030 के बाद स्वदेशी TEDBF के साथ बदलने की है। MiG-29K के साथ विभिन्न मुद्दे हैं। आइए एक एक करके उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, उच्च दुर्घटना दर। भारतीय नौसेना में दुर्घटनाओं में अब तक 3 MiG-29K को खो दिया है। पिछले साल हमने कमांडर निशांत सिंह को ऐसे ही एक हादसे में खो दिया था। ये उच्च दुर्घटना पर चिंता का कारण है। दूसरा, विमान की कमी। आओ MiG-29 के बेड़े के वितरण को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय नौसेना ने 45 MiG-29K को खरीद की थी, जिसमें से 3 हादसों में खो गए हैं। ये कुल उपलब्ध जेट की संख्या 42 बनाता है। नौसेना वर्तमान में एक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रमादित्य का संचालन करता है। पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को इस साल के अंत या अगले साल में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार नौसेना निकट भविष्य में 2 विमान वाहक का संचालन करेगी। इनमें से प्रत्येक वाहक की आवश्यकता 36 फाइटर जेट यानी कि 2 स्क्वाड्रन की है। लेकिन भारतीय नौसेना मोर और युद्ध के समय में अलग अलग लड़ाकू विमानों का संचालन करती है। युद्ध के समय में वाहक उनके साथ काम पूरी क्षमता 36 विमान यानी प्रत्येक वाहक पर, लेकिन पीक टाइम में ये प्रत्येक वाहक पर केवल 18 विमान अर्थित एक स्क्वाड्रन संचालित करता है। इस प्रकार युद्ध के समय में 2 वाहकों के लिए आवश्यकता 72 विमान की है, जबकि मोर की आवश्यकता 36 विमान की है। तो कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि MiG-29K का वर्तमान बेड़ा दोनों वाहकों को शांति समय को तैनात के लिए पर्याप्त है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वास्तव में वर्तमान बेड़ा युद्ध के समय की आवश्यकताओं को छोड़कर मोर की जरूरत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। विमान उपलब्धता अनुपात, इसे समझने के लिए हमें एक और पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि है विमान उपलब्धता आपूर्ता। ये अनुपात बेड़े से विमानों की संख्या बताता है जो किसी भी समय परिचालन के लिए उपलब्ध होंगे। एक पूरा बेड़ा व्यावहारिक रूप से मिशन में तैनात होने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल मेंटेनेंस से गुजरते हैं। उड़ान से कुछ घंटे के बाद ये आवश्यक है। उदाहरण के लिए राफेल सौदे के अनुसार राफेल का उपलब्धता अनुपात 75% बताया जाता है। इसका मतलब है कि 36 में से लगभग 27 जेट किसी भी समय तैनात करने के लिए तैयार होंगे। ये काफ़ी अच्छी संख्या है, लेकिन ये अनुपात MiG-29K के लिए गंभीर है। कुछ रिपोर्टों का दावा है कि ये लगभग 60%, जबकि कुछ अन्य केवल 50%, चलो इसे 60% मानते हैं।
तब भी केवल 25 या 26 जेट किसी भी समय उपलब्ध होंगे। इसके अनुसार प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार नौसेना वास्तव में उनमें से कम 24 चल रही है। यदि हम 26 को दो वाहकों में विभाजित करते हैं तो प्रति वाहक 3 विमान होंगे। यह दो विमान वाहकों की मुयारकालीन आवश्यकता को भी पूरी नहीं कर सकता। इसके अलावा ये पूरी तरह से एकल विमान वाहक की युद्ध समय की आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फाइटर जेट के बिना होगा, जिससे ये टूलदेत टाइगर बन जाएगा। नई तकनीक के लिए खोज MiG-29 के पहले से ही कई मुद्दों का सामना कर रहा है। दुनिया भर के आतंकीवादी 4.5 की उच्चतर पीढ़ी के लड़ाकू जेट की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार TEDBF प्रौद्योगिकी के मामले में एक अच्छा बन सकता है। हिंद महासागर क्षेत्र की बदलती भूराज नीति। भारतीय नौसेना एक नीली जल नौसेना बनने के की इस इच्छा रखती है और हिंद महासागर क्षेत्र पर अपना प्रभाव बना रखती है, लेकिन चीन की बढ़ती मौजूदगी से खतरा पैदा हो सकता है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अत्याधुनिक तकनीक की ज़रूरत है। नए विमान वाहक की प्रेरण INS विक्रांत को एक या दो साल के भीतर चालू किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी कि INS विशाल के बारे में भी बातचीत चल रहा है। यदि भारत इन वाहकों को पूरी क्षमता का एहसास कराना चाहता है तो उसे डेक आधारित लड़ाकू विमान के एक सक्षम बेड़े की आवश्यकता है। एक स्वदेशी मंच, ये भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप होगा। साथ ही भारत एक प्रमुख रक्षा निर्यात बनने की अच्छी इच्छा रखता है। इस प्रकार ऐसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म या का आयात करने एक अच्छा विकल्प नहीं है। TEDBF की कितनी इकाई प्रोक्योर की जाएगी? भारतीय नौसेना की वर्तमान आवश्यकता 50 विमानों की है, लेकिन आगामी अवधि में ये प्रस्तावित तीसरे विमान वाहक INS विशाल को शामिल होने के साथ काफ़ी बढ़ सकती है। सुपर कैरियर होने वाले इस कैरियर की वर्तमान विमान वाहक की तुलना में अधिक आवश्यकता है। TEDBF परियोजना के समय सीमा। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने हाल ही में TEDBF परियोजना के समय रेखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट दिए हैं। इसके अनुसार TEDBF 2026 में अपनी पहली उड़ान भर सकता है। ऐसा होने के लिए पहले प्रोटोटाइप पर वास्तविक कार्य 2024 से शुरू होना चाहिए। साथ ही ये 2031 से उत्पादन में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार भारतीय नौसेना को अगले दशक की शुरुआत में नए लड़ाकू विमान मिलने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।